Hello friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. Let's do question number first of exercise 14, that is properties of parallel lines. Question number first is, in the given figure L and M are parallel. Friends, ye L hai, ye M hai. These are parallel and T is a transversal. टी एक लाइन दे रखी है, ट्रांसवर्सल दे रखी है, जो ट्रांसवर्सल मतलब जो पैरेलल लाइंस को कट करती है, राइट फ्रेंड्स. एंगल 5 इज 70 डिग्री, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स 1, 3, 4 एंड 8. फ्रेंड दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 7 and this is angle 8, right friends. Angle 5 is given to us is 70 degree, right friends. As we all know that angle 5 is equals to angle 7, kyun hai? Because they are vertically opposite angles आर इक्वल होते हैं, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हुए, तो एंगल 7 भी कितना हो गया, 70 डिग्री का हो गया, राइट फ्रेंड्स. अब हमें पता है कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन कहलाती है, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा, राइट फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि वो, इसलिए तो एंगल 7 हमें पता है 70 डिग्री का है, प्लस एंगल 8 हमें पता नहीं है, तो एंगल 8 निकाल लेंगे इससे हम, तो एंगल 8 कितना आ गया, 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री, राइट फ्रेंड्स. अब एंगल 8 आ गया हमारा 110 डिग्री, तो एंगल 8 किसके इक्विवेलेंट हो गया, एंगल 6 के. Angle 8 equals to angle 6 equals to 110 degree because vertically opposite angles are equal, right friends. Now we will see angle 3 and angle 6. Sum of angle 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों होता है ये 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, दिस इज अ थ्योरम, राइट फ्रेंड्स. एंगल 6 हमें 110 दे रखा है, तो एंगल 3 कितने का आ जाएगा, लेट्स सी, 180 डिग्री, एंगल 3 कितने का आ गया, 180 माइनस 110 दैट इज 70, और वी कैन से दैट एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू, एंगल 6 कितने का आया था हमारा, 110 डिग्री का, और ये कितने आया था, 70 डिग्री के, तो वाई ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, राइट फ्रेंड्स. नाउ ये ऑल्टरनेट एंगल्स से ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया, ये हमें, अब नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 110 डिग्री, किस लिए, क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके फ्रेंड्स, दिस इज आवर आंसर. Let's do question number second of exercise 14, that is properties of parallel lines.
In question number second is, in a given figure, and L and M, L is parallel to M, L is parallel to M, and T is a transversal. This is T, which is transversal of L and M. If angle 1 and 2 are in ratio 5 is to 7. Friends, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है, राइट फ्रेंड्स? अब हमें एंगल 1 और 2 रेशियो में देख, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स 1, 2, 3 एंड 8, राइट फ्रेंड्स? अब ये हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो पहले हम लेट एंगल 1 इक्वल्स टू 5x एंड एंगल 2 इक्वल्स टू 7x. अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री y स्ट्रेट लाइन की वजह से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है, राइट फ्रेंड्स? नाउ 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 12, 12x इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू कितनी आ गई 180 अपॉन 12, कितना हो गया 3 4s are 12, 3 6s are 18, 0, 2 2s are 4, 30, 2 1s are 2, 15. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15. तो एंगल 1 कितना आ गया 5 इंटू 15 x की वैल्यू रख दी, तो कितना आ गया 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5, 2 7. एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 इंटू 15, दैट मीन्स 105 डिग्री का हो गया, राइट फ्रेंड्स? नाउ अब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 and angle 2 is equals to angle 4. Why? Vertically opposite angles are equal, right friends? Now ab angle 3 kiske equivalent hai? Angle 3 is equals to angle 5 and angle 4 is equals to angle 6. Why? This is equals to 1 kiske equal tha, 1 ka aaya tha 75, to ye 75 degree ho gaya aur ye 105 degree ho gaya. Kisliye equal hai? Alternate angles are equal, friends. This is called alternate angles. Parallel line ke beech mein jab ek transversal hoti hai, ek angle idhar hota hai aur ek angle idhar hota hai, that is called alternate angles. Alternate angles are equal, right friends? अब हमें 5 और 6 का भी पता चल गया. Now angle 5 is equals to angle 7 equals to 75 degree and angle 6 is equals to angle 8 is equals to 105. Why? Vertically opposite angles are equal. This is our answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.